नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अपनाकर डायबिटीज पेशेंट सर्दियों में भी फिट रह सकते हैं। लेकिन यह वीडियो देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहे। दोस्तों, सर्दियों को एक और जहां खूब खाने पीने और मौज मस्ती का मौसम माना जाता है, वहीं यह उन लोगों के लिए खतरे की घंटी भी है जो किसी बीमारी से जूझ रहे हों या फिर बुजुर्ग हो। ऐसे ही कुछ लोगों में शामिल है मधुमेह के रोगी। सर्दियां उनके लिए बहुत सारी परेशानियां लेकर आती है, लेकिन अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बातों का ध्यान रखकर आप सर्दियों में भी फिट रह सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन खास टिप्स के बारे में। नंबर एक, जुखाम व फ्लू से बचें। जुखाम और फ्लू का संक्रमण खतरनाक हो सकता है अगर सही सावधानियां ना बरती जाए तो। मधुमेह के मरीज अपने डॉक्टर से सलाह लेकर फ्लू का वैक्सीन लगवा लें, हाथों को स्वच्छ रखें, शरीर को उचित आराम दें और सेहतमंद आहार लें। नंबर दो, सुरक्षित रहने के लिए खुद को गर्म रखें। कपकपा देने वाली ठंड के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए खुद को गर्म रखें। शरीर को गर्म और सूखा रखने के लिए उचित संख्या में कपड़े पहनें। अपने पैरों को भी अच्छे से ढककर गर्म करें, खासकर ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्या में। अपने ब्लड शुगर स्तर की नियमित जांच करते रहें। नंबर तीन, पौष्टिक आहार लें। लोग सर्दियों में हाई कैलोरी चीजें खाने लगते हैं। मधुमेह पीड़ितों को उचित मात्रा में फल और सब्जियां खानी चाहिए। अत्यधिक मीठे वाले फलों से परहेज करना चाहिए। इन महीनों में शराब का सेवन भी बढ़ जाता है। अच्छी सेहत के लिए उस पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर चार, व्यायाम करें। छोटे दिन और लंबी रातें व्यायाम ना करने का बहाना हो सकती है, लेकिन मधुमेह पीड़ितों के लिए जरूरी है कि वह नियमित रूप से व्यायाम करें। आप नजदीकी शॉपिंग सेंटर या पार्क में या फिर कहीं पर भी सैर करने जा सकते हैं। जिम जाने से पहले या किसी भी किस्म के व्यायाम के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे डायबिटीज मरीजों के लिए कुछ खास टिप्स जिन्हें अपनाकर वो सर्दियों में भी खुद को फिट और फाइन रख सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।